नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, SSC का जो अभी रिजल्ट निकला है उसमें से हमारे यहाँ से, हमारे संस्थान से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही हम आप चाहते हैं कि सन 2023 का रिजल्ट आप लोगों के साथ अच्छा निकले और आप लोगों को रोज़गार मिल सके। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और अभ्यास करते रहें। बराबर हम डिक्टेशन भी पोस्ट कर रहे हैं और बेसिक का भी सिखा रहे हैं। तो आप लोग बराबर मेहनत करें और जॉब पा सकें। तो आप हमारी डिक्टेशन को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, रेल विभाग इस देश और सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और इस देश के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए रेलवे विभाग का बड़ा होना, इसका नियमित होना और इसका सक्षम होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन महोदय, इस देश में लोगों की यह धारणा है कि रेलवे विभाग तो बड़ा विभाग जरूर है, किंतु इससे ज़्यादा लापरवाही करने वाला विभाग सरकार का और नहीं है। महोदय, रेलवे का जो विनियोग विधेयक रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को सरकारी खजाने से और 200 करोड़ रुपया दिया जाए। महोदय, यह खर्चा जिसके लिए यह बिल लाया गया है वर्तमान रेल मंत्री जी के समय का नहीं है और ना ही मौजूदा सरकार के समय का है, बल्कि यह 4 वर्ष पूर्व का है और मैं समझता हूँ कि उस समय से अब तक इस देश में 3 सरकारें बदल चुकी हैं और यह 4थी सरकार है। 4 प्रधानमंत्री हो गए और 4 रेल मंत्री हो चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने यह 200 करोड़ रुपया बजट से अधिक गलत तरीकों से खर्चा किया है, इसलिए इसकी वर्तमान संसद को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि रेल विभाग द्वारा किए गए इस खर्च के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 19वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही रेल मंत्री को इसके बारे में पता चला होगा कि यह जो खर्चा अधिक किया गया है इसकी संसद से स्वीकृत लेनी चाहिए। लेकिन क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस मामले की जांच उच्च स्तर पर करवाते और यदि इसमें विभाग के किन्हीं अधिकारियों का दोष पाया जाए तो उनको सजा दी जाती। रेलवे विभाग के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने सरकार को
इस बारे में नहीं बताया। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास ना करके मंत्री जी को कहें कि वह इसको वापस ले लें। अगर आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं कि हमने विधेयक पेश कर दिया, इसको पास होना ही चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि आप दोनों काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस विधेयक में से एक रुपए के स्वीकृत संसद से लें और बाकी राशि की वसूली आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों से करें जो इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार का साहस आप दिखलाएंगे तो आप ऊपर से जो लापरवाही का आरोप बराबर लगाया जाता है उसको दूर करने में आप सफल हो सकेंगे। महोदय, यह विनियोग विधेयक है, इसलिए इस पर लंबी चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि इसका लक्ष्य सीमित है। लेकिन इस प्रकार सरकार के आने के बाद भी रेलें लेट चलती हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दैट्स ऑल।